Assalamualaikum dear students, welcome to Punjab Technical and Science Academy. मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील. स्टूडेंट्स हम डीए मैथ्स 223 चैप्टर नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 19 और इसके अलावा क्वेश्चन 18 इसमें शामिल नहीं है. क्वेश्चन है इफ डिस्प्लेसमेंट इज, तो एस से जाहिर किया गया है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. डिस्टेंस जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो एस इज इक्वल टू साइन 2t. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. जस्ट हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा हमारे पास है s इज इक्वल टू साइन 2t. हमने क्या करना है, इसका पहले डेरिवेटिव लेना है. तो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह वेलोसिटी होती है. तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो है वो t है. टाइम के अकॉर्डिंग होती है ऑन बोथ साइड. सी ठीक हो गया. सो d डिवाइड बाय dt इनटू s इज इक्वल टू, यहां भी आ जाएगा d डिवाइड बाय dt इनटू साइन 2t. ठीक है जी, ये आपका हो जाएगा ds डिवाइड बाय dt, यानी डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की तरह जिसको हम लिखेंगे वेलोसिटी. नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे हम, लेकिन यहां पर पहले रूल समझ लें कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं साइन एंगल का तो ये आपका हो जाएगा कॉस एंगल. नेक्स्ट आपने डेरिवेटिव लेना है इसके एंगल का, आ जाएगा आपका यहाँ पे साइन 2t. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एंगल 2t. नेक्स्ट आपने इसके एंगल जो है वो 2t, इसका डेरिवेटिव भी लेना है. सही है. तो ये आपकी जो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली होगी ये वेलोसिटी बन जाएगी. तो डिस्प्लेसमेंट s है तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है. तो तब्दीली की गई है, डेरिवेटिव लिया गया है, अब ये बन गई है वेलोसिटी. तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2t और इसका आपका डेरिवेटिव 2 शुरू में आ गया, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव t जो है 2 आ जाएगा. सॉरी शुरू में और t का डेरिवेटिव आपने लेना है तो क्या 1 हो जाएगा. सो कॉस 2t यहाँ पे आपका 2 इंटू 1 आ गया. ये 2 अब मतलब 2 अंदर 2 है ना, तो वेलोसिटी आपकी आ चुकी है कॉस 2 कॉस 2t. अब ये तो आ चुकी है. अगेन अब आपको तो क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमें तो चाहिए एक्सेलरेशन. तो यह वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह होती है. इट मीन कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लिया तो वो बन गई वेलोसिटी. अब वेलोसिटी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपकी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह जो है वो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है जी. तो एक तो हमें यहाँ पर शीट की जरूरत भी पड़ेगी. बिल्कुल कोशिश करते हैं कि यहीं पे मैनेज हो सके, लेकिन नहीं हो पाएगी. तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू, और हमारा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो एक्स है. ठीक है, ऑन बोथ साइड. तो हमने यहाँ पर डी डिवाइड बाय डी टी इंटू वी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय डी टी इंटू, हमने यहाँ पे 2 कॉस 2t लेना है. ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा, एक नई शीट क्रिएट कर लेते हैं. ठीक हो गया. बाकी नोट्स भी आपके सारे जो है वो इसी तरह से तैयार हो रहे हैं. PDF फॉर्म में आपको जो है ये सारे नोट्स भी मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से मिल सकते हैं. और अब हम जो है ना इसके लिए एक नई शीट प्रिपेयर कर लेते हैं, शीट नंबर 3. तो जैसा कि जी आपको नजर आ रही है, तो यहां तक हमने ये मुकम्मल किया. तो इसके बाद जो है ना ये हमारा डी वी डिवाइड बाय डी टी आ जाएगा. ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं जी, हमारे पास है डी वी डिवाइड बाय डी टी जो कि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह है. और पिछले हमने देखा कि ये हमारे पास 2 कांस्टेंट जो है ये डेरिवेटिव के शुरू में आ जाएगा. तो 2 कांस्टेंट को शुरू में लिखा और डी डिवाइड बाय डी टी इंटू हमारे पास जो है वो कॉस 2t आ जाएगा. ठीक है, ये आ जाएगा कॉस 2t. अगेन हमने इसका डेरिवेटिव लेना है. इसके बारे में भी समझ लें कि अगर आप डी डिवाइड बाय डी एक्स इंटू कोज एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये होता है माइनस साइन एंगल हो जाएगा. और अगेन आपने इसके एंगल का डेरिवेटिव तो आगे लेना होता है. ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी में तब्दीली की शरह हो गई एक्सेलरेशन. ये हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी. साथ ही देखिए 2 आ गया, इसका डेरिवेटिव आपका हो जाएगा माइनस साइन और साथ ही आपका एंगल आ जाएगा. जैसा कि मैंने आपको बताया. और नेक्स्ट आपने इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है इस तरह से. हो गया जी, ये आपको हो जाएगा एरिया नहीं है, एक्सेलरेशन है, असरा. ये माइनस में 2 साइन 2t आ जाएगा. इसमें आपका जो हो जाएगा 2 कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव के शुरू में आ गया. तो टी का आपने वेरिएबल का डेरिवेटिव जो कि विद रिस्पेक्ट टू टी 1 ही होता है, ए इज इक्वल टू आपका माइनस 2 साइन 2t और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1. ठीक है, अगर एक्सेलरेशन देखें तो ये हो जाएगी 2 to the 4 माइनस 4 साइन 2t. ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू और हमारे क्वेश्चन का आंसर है.
स्टूडेंट हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 19 माइनस फोर यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस फोर साइन टू टी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि हमने जो हमारी है क्या कहते हैं एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और शॉर्ट क्वेश्चन जो है मतलब कहने का कि चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एमसीक्यूज रह चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, सिंपल सा था। आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बन गया, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में चला जाएगा। यानी ये फिजिक्स का रूल है कि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह जो होती है अकॉर्डिंग टू टाइम वो आपकी एक्सेलरेशन होती है, और हमने यही फाइंड करना होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह वेलोसिटी होती है। कुछ कॉम्बिनेशंस जो कुछ चीजें कुछ रिलेशंस थी ये आपने अंडरस्टैंड करनी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।